सही व्यक्ति को नमस्कार। मेरा नाम है जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हैं फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज हम जो है 12वीं अध्याय 7 प्रत्यार्थी धारा, ये प्रश्न बैंक में अध्याय 7 दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जो प्रश्न बैंक जारी की गई है, उस प्रश्न बैंक के सारे जो समझ परक क्वेश्चन हमारे पास में, साथ में ज्ञान परक क्वेश्चन भी इसमें दिए गए हैं। हम आज चैप्टर 7 के जो प्रश्न हैं उसमें जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उसको आज हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं उसको भी हम सॉल्व करेंगे। आज हम केवल 7 प्रश्न हल करेंगे, उसके बाद के बाकी के प्रश्न हम अगले वीडियो में हम हल करेंगे। तो इस चैप्टर का पहला प्रश्न है हमारे पास, प्रत्यावर्ती धारा के आयाम, आवर्तकाल और आवृत्ति से क्या तात्पर्य है। देखो, प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है कि इस तरह से जिसका मान और दिशा दोनों समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं उस धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, जिसका मान भी बदलता है और दिशा भी बदलती है। तो मान लो ये समय के साथ में इस तरह से इसका मान भी बदल रहा और दिशा बदल रही है, उस धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। अब इसमें आयाम किसको कहते हैं, आयाम। तो ये अभी धारा प्रवाहित होगी तो धारा के किसी भी दिशा में अधिकतम मान, ये यहाँ का अधिकतम मान या फिर यहाँ का अधिकतम मान, तो धारा का जो अधिकतम मान होता है ये वोल्टेज हो सकता है या करंट भी हो सकता है। तो अभी हम प्रत्यावर्ती धारा की बात करते हैं, तो धारा का अधिकतम मान, तो धारा का जो अधिकतम मान होता है, धारा के उस अधिकतम मान को ही हम आयाम कहते हैं या एम्पलीट्यूड कहते हैं या उसको पीक वैल्यू भी कहते हैं, शिखर मान भी कहते हैं या अधिकतम मान भी कहते हैं, सब नाम एक ही है, ध्यान रखना। तो आयाम किसको बोलेंगे धारा का, प्रत्यावर्ती धारा के अधिकतम मान को, मैक्सिमम वैल्यू जो भी होगी उसकी, उसका जो अधिकतम मान होगा उस अधिकतम मान को ही हम आयाम कहते हैं या पीक वैल्यू या शिखर मान कहते हैं, ध्यान रखना। दूसरा हमारे पास आवर्तकाल किसको कहेंगे, ये प्रत्यावर्ती धारा एक पूरा चक्कर लगाएगी, यहाँ से यहाँ गए, एक पूरा चक्कर लगाने में जितना समय लेती है उस समय को हम आवर्तकाल कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के द्वारा एक पूरा चक्कर लगाने में जो समय लगाती है या लेती है उस समय को हम बोलते हैं आवर्तकाल या टाइम पीरियड कहते हैं, जिसको अपन कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं और ओमेगा इक्वल होता है 2π/T, ये हमने पढ़ रखा है, या टी बराबर 2π/ओमेगा हो जाएगा। तीसरा आवृत्ति, ये जो तरंग चलती है इस तरह से एक सेकंड में जितने भी चक्र हो जाते हैं इसके, एक सेकंड में चक्करों की संख्या को प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति किसको कहेंगे कि एक सेकंड में जितने चक्कर प्रत्यावर्ती धारा लगा लेती है या चक्र हो जाते हैं एक सेकंड में, उस चक्रों की संख्या को हम बोलते हैं आवृत्ति। तो भारत में जो आवृत्ति होती है प्रत्यावर्ती धारा की वो 50 हर्ट्ज होती है, मतलब एक सेकंड में 50 चक्र चल जाते हैं, ये चीज ध्यान रखना। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है इंडिया में। तो ये हमारे पास तीनों परिभाषा अपने को मालूम होना चाहिए। तो पहली परिभाषा आयाम, प्रत्यावर्ती धारा के अधिकतम मान को आयाम कहते हैं, जिसको शिखर मान भी बोलते हैं या अधिकतम मान भी बोलते हैं। दूसरा आवर्तकाल, प्रत्यावर्ती धारा को एक पूरा चक्कर लगाने में जो समय लगेगा उस समय को हम आवर्तकाल कहते हैं। तीसरा आवृत्ति, एक सेकंड में प्रत्यावर्ती धारा जितने चक्कर लगाती है उस चक्करों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा और दिश्य धारा में अंतर देखेंगे हम, कि प्रत्यावर्ती धारा जो होती है जिसका मान और दिशा दोनों परिवर्तित होते रहते हैं उस धारा को हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, और जिसका मान बदले या न बदले परंतु दिशा हमेशा नियत होती है उस धारा को हम दिश्य धारा कहते हैं। तो पहले पॉइंट ये लिखना कि प्रत्यावर्ती धारा का मान और दिशा दोनों परिवर्तित समय के साथ बदलते रहते हैं उस धारा को हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, जिसका मान बदले या न बदले परंतु दिशा हमेशा नियत होती है, एक ही दिशा में चलती है, या तो स्ट्रेट लाइन में चलेगी या फिर डिस्टेंस में चलेगी, तो इस धारा को हम दिश्य धारा कहते हैं। दूसरा, इसके मापने वाले उपकरण ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को नापने वाले जितने भी उपकरण होते हैं वो ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं, और इसको नापने वाले जो उपकरण होते हैं वो चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। तीसरा हमने लिखा कि इसके द्वारा केवल ऊष्मीय प्रभाव प्रदर्शित होता है, प्रत्यावर्ती धारा के द्वारा केवल ऊष्मीय प्रभाव प्रदर्शित होगा, रासायनिक प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित नहीं होते हैं। तो कभी कारण बताओ में आ जाए कि प्रत्यावर्ती धारा रासायनिक प्रभाव या कह सकते हैं कि विद्युत अपघटन प्रदर्शित क्यों नहीं करती है, तो उसका कारण ये लिखना कि जो प्रत्यावर्ती धारा होती है उसमें प्लस माइनस चक्र होते हैं,
वो चक्र क्या करते हैं, एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, प्लस माइनस आयन जो बनते हैं वो एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, इसलिए उस धारा के द्वारा न तो विद्युत अपघटन होता है और न ही क्या कह सकते हैं हम चुंबक बना सकते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा का विद्युत अपघटन इसीलिए नहीं होता क्योंकि उसमें प्लस माइनस चक्र होते हैं, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो रिजल्ट धारा जीरो हो जाती है, औसत धारा जीरो हो जाती है, इसलिए इस धारा के द्वारा विद्युत अपघटन भी नहीं किया जा सकता है और न ही क्या कर सकते इसको चुंबक भी नहीं बना सकते इससे। फिर तीसरा में ये जो धारा होती है तीनों प्रभाव प्रदर्शित करेगी, उसमें प्रभाव चुंबकीय प्रभाव और रासायनिक प्रभाव तीनों प्रभाव को प्रदर्शित करती है। अगला लिखा कि इसमें ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, हमने देखा कि हमारे घर तक जो धारा आती है करंट आता है वो प्रत्यावर्ती धारा होती है, हमारे घर में जो धारा करंट है वो एसी करंट है, वो किसके माध्यम से आता है ट्रांसफार्मर के माध्यम से ही हमारे घर तक पहुँचती है, और डीसी में ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं करते, उसका कारण अपन देखेंगे बाद में। तो इसमें ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, इसमें ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं करते हैं, और ये अधिक खतरनाक होती है, हमने देखा कि घर में जो धारा होती है वो क्या होती है ज़्यादा खतरनाक होती है, नुकसानदायक होती है, और डीसी धारा जो होती है कम खतरनाक होती है। तो एसी धारा कहाँ से मिलती है, पावर हाउस से, जहाँ पर बिजली घर होते हैं, और वो बिजली घर से ट्रांसफार्मर के माध्यम से हमारे घर तक जो धारा आती है वो प्रत्यावर्ती धारा, और डीसी धारा कैसे प्राप्त होती है सेल्स या बैटरी से, जो धारा बनती है वो धारा हमारे पास में डीसी धारा कहलाती है। तो इस तरह से दोनों में अंतर अपने को मालूम होना चाहिए। एसी किसको कहेंगे प्रत्यावर्ती धारा, जिसका मान और दिशा दोनों परिवर्तित होते रहते हैं प्रत्यावर्ती धारा कहेंगे। डीसी धारा किसको कहेंगे, जिसका मान बदले या ना बदले परंतु दिशा हमेशा नियत हो, एक ही दिशा में प्रवाहित हो, उस धारा को डीसी धारा कहते हैं। दूसरा, इसको नापने वाले उपकरण उष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं, इसको नापने वाले उपकरण चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होते हैं, ये अधिक खतरनाक होती है, ये कम खतरनाक होती है, इसमें ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, इसमें ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं किया जा सकता, ये उष्मीय प्रभाव को प्रदर्शित करती है केवल, और यह तीनों प्रभाव को उष्मीय प्रभाव रासायनिक प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव तीनों प्रभाव को प्रदर्शित करती है, ये केवल उष्मीय प्रभाव को प्रदर्शित करेगी, रासायनिक प्रभाव चुंबकीय प्रभाव को नहीं करेगी, इससे न तो विद्युत अपघटन कर सकते हैं और न ही हम चुंबक बना सकते हैं। उसका कारण ये लिखना कि इसमें प्लस माइनस चक्र होते हैं जो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, एवरेज धारा शून्य हो जाती है, इसलिए इससे विद्युत अपघटन या चुंबक नहीं बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में वर्ग माध्यमूल मान और शिखर मान, ये दोनों के बीच रिलेशन होता है IRMS रूट मीन स्क्वायर, जिसको हिंदी बोलते हैं वर्ग माध्यमूल मान, I0/√2 ये फार्मूला होता है। I0 जो होता है I0 पीक वैल्यू करंट की या धारा का अधिकतम मान, जिसको हम शिखर मान भी बोलते हैं या आयाम भी बोलते हैं, सब नाम एक ही, आयाम कह लो शिखर मान कह लो या धारा का अधिकतम मान कह लो, I0/√2 ये दोनों बीच रिलेशन होता है, ध्यान रखना। IRMS का मतलब रूट मीन स्क्वायर, हिंदी में बोलते वर्ग माध्यमूल मान, I0 धारा का अधिकतम मान √2। इसी प्रकार से यदि वोल्टेज का अधिकतम मान पूछे तो VRMS लिखेंगे V0/√2। ये दोनों बीच रिलेशन, ये संबंध अपने को मालूम होना चाहिए कि IRMS = I0/√2 और VRMS = V0/√2। VRMS क्या कहलाता है, वोल्टेज का वर्ग माध्यमूल मान, और IRMS क्या कहलाता है, धारा का वर्ग माध्यमूल मान, I0 धारा का अधिकतम मान जिसको हम आयाम भी बोलते हैं या शिखर मान भी बोलते हैं पीक वैल्यू, और V0 वोल्टेज का अधिकतम मान, आयाम या शिखर मान, सब नाम एक ही है। ट्रांसफार्मर में क्रोध पटली बना लेते क्यों, आपने देखा कि ट्रांसफार्मर होते हैं उसकी पत्तियां लेते हैं, और पट्टियों को क्या कहते हैं, पट्टियों को क्रोध बोलते हैं, ट्रांसफार्मर की जो पत्तियां होती है उसको क्रोध बोलते हैं फिजिक्स भाषा में, और वो क्रोध को क्या करते हैं एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं परतदार, एक के ऊपर एक परत जमा देते हैं, तो उसी को फिजिक्स भाषा में बोला पटलित करना, लेमिनेटेड करना। अब लेमिनेटेड पटलित क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम प्रत्यावर्ती धारा ट्रांसफार्मर में प्रवाहित करते हैं, सुन लेना इस बात को अच्छे से, नोट कर लेना कि जब ट्रांसफार्मर में कौन सी धारा प्रवाहित होती है एसी, और एसी धारा हमने पढ़ रखी कि जिसका मान और दिशा लगातार परिवर्तित होता रहता है, तो जब उसका मान और दिशा बदलेगी तो चुंबकीय फ्लक्स मान में क्या होगा, परिवर्तन होता है, और जब भी चुंबकीय फ्लक्स मान में परिवर्तन होता है तो भंवर धारा उत्पन्न होती है। क्या होता है कि ट्रांसफार्मर में हम प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करते हैं, और प्रत्यावर्ती धारा का मान और दिशा लगातार परिवर्तित होता रहता है, जिसके कारण से उस ट्रांसफार्मर के क्रोड में पत्तियों में भंवर धारा उत्पन्न होगी, वो क्या करेगी, भंवर धारा हमेशा
ट्रांसफार्मर की जो क्लोरीन होती है उसको गर्म कर देती है, ऊष्मा उत्पन्न करती है, जिसके कारण से विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में क्षय होता है, लॉस होता है, हानि होती है। यानी हमने जो विद्युत दे रखी है वो फालतू खर्च हो रही है, ऊष्मा निकलती जा रही है, उसका कोई उपयोग नहीं होता है। इस हास को हम बोलते लोह हास भी कहते हैं। अब मान लो कि हमने बहुत सारी पत्तियां लगा दी, एक दूसरे के ऊपर लेमिनेटेड कर दिया, पटलिंग कर दिया, तो ऐसा करने से क्या होगा, प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा, बहुत सारी पत्तियां रहेगी अलग अलग, उसका रेजिस्टेंस होने के कारण से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, वो रेजिस्टेंस बढ़ गया तो स्वाभाविक है कि भंवर धारा का मान कम हो जाएगा, और भंवर धारा का मान कम होने से क्या हो जाएगा, ऊष्मा की हानि कम होगी, ऊर्जा कम निकलेगी, कम गर्म होगा। इसलिए भंवर धारा की हानि को कम करने के लिए ही ट्रांसफार्मर के क्रोर को पटलित किए जाते हैं। स्टार्ट में कारण लिखते हैं ना कि ट्रांसफार्मर के क्रोर पटलित क्यों करते हैं, कि भंवर धारा को कम करने के लिए। ऐसा करने से प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा, और प्रतिरोध के मान बढ़ने से भंवर धारा का मान कम हो जाता है, ऊष्मा कम निकलेगी, कम गर्म होगा, तो उस हानि को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर क्रोर पटलित किए जाते हैं। ट्रांसफार्मर के चार उपयोग, देखो ट्रांसफार्मर के उपयोग सभी जगह होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण होते हैं वहाँ सभी जगह इसका लगभग उपयोग करते हैं, क्योंकि वोल्टेज को क्या करना पड़ता है, अपने को स्टेप डाउन करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। पावर हाउस से जो वोल्टेज आता है वो बहुत ज़्यादा आता है, उसको कम करके ही हमारे घर में जितने उपकरण होते हैं उसको देना पड़ता है, तो उसको कम करने के लिए, स्टेप डाउन करने के लिए, उसको वोल्टेज को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। तो कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में करते हैं, रेडियो में करते हैं, टेलीफोन में करते हैं, टीवी में भी इसका उपयोग किया जाता है, कारखाने जितने होते हैं उसमें वेल्डिंग में किया जाता है, और फर्नेस मशीन जो प्रेरण भट्टियाँ होती है गर्म करने में उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है, और इलेक्ट्रिक पावर, आपने देखा होगा कि बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए हम ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। तो कहाँ कहाँ उपयोग होता, टेलीफोन में होता, फ्रिज में होता, कूलर में होता, पंखे में होता, हमारे पास में किस में होता, टेलीफोन में होता, टीवी में भी इसका उपयोग होता है, वेल्डिंग करने में इसका उपयोग होता है कारखानों में, और जो प्रेरण भट्टियाँ होती है उसमें भी इसका उपयोग होता है, और विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए भी हम ट्रांसफार्मर, जिसको हम डीपी बोलते हैं, डायरेक्ट टू पोल डीपी का उपयोग या ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। तो इसका उपयोग अपने को मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटिन धारा कैसे कहते हैं, और प्रत्यावर्ती धारा में वाटिन धारा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, वाटिन मतलब शक्तिहीन, जिसमें कोई पावर या शक्ति का व्यय नहीं होगा। शक्ति किसको कहते हैं, किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा का जो व्यय होता है उस ऊर्जा के व्यय को हम पावर बोलते हैं, शक्ति कहते हैं, सामर्थ्य बोलते हैं। ऊर्जा का जो व्यय होता है, खर्च होती है, उस ऊर्जा के व्यय को हम शक्ति कहते हैं। अब जब किसी परिपथ में कुंडली जुड़ी हो, ध्यान रखना क्या जुड़ी हो, एल या सी जुड़ा, संधारित्र जुड़ा हो, यह हमने पढ़ रखा है कि जब भी किसी परिपथ में तो कुंडली जुड़ी हो या संधारित्र जुड़ा हो, एल जुड़ा हो या सी जुड़ा हो, तो वोल्टेज और धारा के बीच में 90 डिग्री का कलांतर होता है। ये हमने पढ़ रखा फेज डायग्राम इस तरह से, VL, VC, VR बराबर IR। तो जब भी किसी परिपथ में कुंडली जुड़ी हो और तो धारा वोल्टेज के बीच में 90 डिग्री का कलांतर होता है, या कुंडली संधारित्र जुड़ा तो भी 90 डिग्री का कलांतर होता है। तो P एवरेज का फार्मूला हमने पढ़ा था, P एवरेज बराबर VRMS IRMS cos φ। यहाँ पर cos φ का मान कितना होता है, 90 डिग्री। जब भी A या C जुड़ा हो तो कलांतर कितना रखा, फाइ की जगह 90 डिग्री, तो P एवरेज बराबर क्या लिखेंगे, VRMS IRMS cos 90। और cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, जीरो, तो इसको हम जीरो रख देंगे तो पूरा मान कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यानी पावर कितनी आ जाएगी हमारे पास, एवरेज पावर शून्य आ जाएगी। यानी किसी प्रकार से ऊर्जा का व्यय नहीं होगा, शून्य पावर, पावर मतलब ऊर्जा का व्यय, वाटहीन, हीन मतलब कुछ भी ऊर्जा का व्यय नहीं हो रहा है, तो उस धारा को हम बोलेंगे वाटहीन धारा। वाटहीन धारा किसको कहेंगे, कि जब किसी परिपथ में कुंडली जुड़ी हो या फिर संधारित्र जुड़ा हो, दो में से कोई भी एक कंपोनेंट अवयव जुड़ा होना चाहिए, तब परिपथ में धारा तो प्रवाहित होती है परंतु ऊर्जा का व्यय बिल्कुल नहीं होता है, तो उस धारा को हम वाटिन धारा कहते हैं। समझ आएगा, वाटिन धारा किसको कहेंगे, कि जब किसी परिपथ में ए जुड़ा हो या सी जुड़ा हो तो धारा वोल्टेज के बीच में 90 डिग्री का कलांतर होगा, पाई का मान 90 रख देना, तो पी एवरेज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कास 90, कास 90 का मान जीरो, तो पी एवरेज भी जीरो हो जाएगी। तो पी एवरेज जीरो हो गया, इसका मतलब ऊर्जा का व्यय शून्य है,
यानी ऊर्जा किसी प्रकार से कोई व्यय नहीं हो रही। वाट हीन है, वाट मतलब शक्ति का मात्रक होता है, हीन मतलब जीरो है, वाट शक्ति का मात्रक है और हीन मतलब जीरो होती है, इसलिए उसको वाट हीन नाम देते हैं। तो जब किसी परिपथ में एल या सी जुड़ा हो तो धारा तो प्रवाहित होती है परंतु ऊर्जा का व्यय नहीं होता है, तो ऐसी धारा को ही हम वाटिन धारा कहते हैं। तो ये हमारे पास में वाटिन धारा का क्वेश्चन हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है प्रत्यार्थी परिपथ में प्रतिरोध, प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा किसको कहते हैं, ये अपने को देखना है। तो प्रतिरोध किसको कहेंगे, मान लो हमारे पास चालक तार है तो किसी चालक तार के द्वारा धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होती है उस रुकावट को हम प्रतिरोध कहते हैं। किसी भी चालक के द्वारा धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होगी उसको हम बोलेंगे प्रतिरोध। यदि मान लो हमारे पास कुंडली आ जाती है या मान लो कोई संधारित्र आ जाता, कैपेसिटर आ जाता, तो उसके कारण से धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होगी उस रुकावट को हम बोलेंगे प्रतिघात। प्रतिघात मतलब रिएक्टेंस, ये रेजिस्टेंस है और ये रिएक्टेंस है। तो प्रतिरोध मतलब चालक के द्वारा, मान लो कोई तार है उसके द्वारा धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न हो रही तो उसको हम प्रतिरोध बोलेंगे, रेजिस्टेंस। और यदि मान लो कुंडली आ गई या फिर संधारित्र आ गया तो उसके कारण से धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होगी उसको हम बोलेंगे प्रतिघात, रिएक्टेंस कहते हैं। तीसरा हमारे पास में प्रतिबाधा। तो जब दो अवयव जुड़े हो आर एल आर सी एल सी या तीन अवयव एल सी आर, ये तीन दो अवयव या तीन अवयव जब जुड़े हो किसी परिपथ में तो इनके कारण से जो रुकावट उत्पन्न होती है उसको हम बोलेंगे प्रतिबाधा, प्रतिबाधा। जब केवल रेजिस्टेंस जुड़ा हो इस तरह से तो उसको हम प्रतिरोध बोलेंगे, प्रतिरोध, रुकावट उत्पन्न होती है उसको हम प्रतिरोध कहते हैं। जब किसी परिपथ में या तो कुंडली जुड़ी हो इस तरह से, कुंडली जुड़ी हो या फिर संधारित्र जुड़ा हो, दो में से एक कोई सा जुड़ा, तो इनके कारण से धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होती है उसको हम प्रतिघात बोलते हैं, प्रतिघात, रिएक्टेंस। केवल चालक तार जुड़ा और उसके कारण से धारा के मार्ग में रुकावट होती है प्रतिरोध कहते हैं। कुंडली जुड़ी हो या फिर संधारित्र जुड़ा, दो में से कोई सा कोई जुड़ा हो तो इनके कारण से धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न होगी उसको हम प्रतिघात बोलेंगे। जब दो अवयव जुड़े हो या तीन अवयव जुड़े हो, आर एल आर सी एल सी और एल सी आर, एल कुंडली को एल से प्रदर्शित करते हैं, संधारित्र को सी से और रेजिस्टेंस को आर से प्रदर्शित करते हैं। तब ये दो दो कंपोनेंट यदि जुड़े हो या तीन कंपोनेंट जुड़े हो तो उसके कारण से धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होगी उसको हम प्रतिबाधा कहते हैं, इम्पीडेंस कहते हैं। प्रतिबाधा मतलब दो अवयव या तीन अवयव जुड़े हो किसी भी परिपथ में तो उसके कारण से धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होगी उस रुकावट को हम प्रतिबाधा बोलते हैं, इम्पीडेंस कहते हैं। दूसरा, इसका जो मान होता है प्रत्यय धारा की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर नहीं करता क्योंकि इसमें आवृत्ति नहीं आती, प्रतिरोध में आवृत्ति नहीं आती है इसलिए इसका मान आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। इनके फार्मूले में आवृत्ति आएगी, ध्यान रखना एक्स एल इक्वल टू ओमेगा एल होगी कोणीय आवृत्ति और एक्स इक्वल टू वन अपॉन ओमेगा सी होगा। ये जो मान दोनों आर और एल जिसमें भी आएंगे, एल और सी ये जिसमें भी आएंगे, यानी वो आवृत्ति पर निर्भर करते हैं, यानी प्रतिघात भी आवृत्ति पर निर्भर करेगी और प्रतिबाधा भी आवृत्ति पर निर्भर करती है लेकिन प्रतिरोध आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है, ध्यान रखना। तीसरा पॉइंट दो, इसका उसको अपन आर से प्रदर्शित करते हैं प्रतिरोध, इसको हम एक्स से प्रदर्शित करेंगे, कुंडली होगी तो एक्स से लिखेंगे और संधारित्र होगा तो एक्स से, और इसको हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। और एक चीज नोट कर लेना कि तीनों के मात्रक ओम होते हैं, प्रतिरोध का भी ओम, प्रतिघात का भी ओम और प्रतिबाधा का भी ओम, तीनों के मात्रक ओम होते हैं। इसके बाद इसके जो बचे क्वेश्चन उनका वीडियो बनाया जाएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।